Dear students, I am Sandeep Tiwari, your maths teacher. Today I will solve some more questions. In the following figure, A and B and C are points on OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR, so that BC parallel to QR. इस question को समझिए. question में दिया गया है कि A, B and C OP, OQ और OR पर हैं और ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के, तो आपको प्रूव करना है बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के. अब देखिए इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू को देखिए, इसमें ए बी पैरेलल होगा पी क्यू के. देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आर्थेल्स थ्योरम, ओ ए बाई ए पी इजकल टू ओ बी बाई बी क्यू, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. इन ट्राइंगल पी ओ क्यू पी ओ आर, दूसरे त्रिभुज को देखिए, ए सी पैरेलल टू पी आर, फिर वही बी पी टी यूज करेंगे या कहें कि थेल्स थ्योरम यूज करेंगे, ओ ए बाई ए पी इजिकल टू ओ सी बाई सी आर, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए, एल एच एस इसका बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा, तो देयर फोर ओ बी बाई बी क्यू इजिकल टू ओ सी बाई सी आर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. अब हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रयोग करेंगे और जब दो भुजाओं खंडों के अनुपात बराबर होते हैं तो वो जो रेखा होती है पैरेलल होती है तीसरी भुजा के, तो बी सी पैरेलल टू क्यू आर होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा. देखिए इसमें कह रहा है कि यदि एक लाइन जो है किसी भुजा से के मिड पॉइंट से पास हो रही है और किसी दूसरी भुजा के पैरेलल है, तो सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा को भी बराबर भागों में बांटेगी. कंसीडर द फिगर इन विच पी क्यू इज ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट पी ऑफ लाइन ए बी सच दैट पी क्यू पैरेलल टू बी सी. देखिए इस फिगर को देखिए ध्यान से. हमने पी क्यू एक लाइन कंसिडर किया, लाइन सेगमेंट है जो ए बी रेखा के मिड पॉइंट पी से पास हो रही है और बी सी के पैरेलल है. बाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी ऑब्टेन ए पी बाई बी पी आर ए पी बाई पी बी इजिकल टू ए क्यू बाई ए सी, वो बराबर होगा क्योंकि दोनों क्या है मिड पॉइंट्स हैं, पी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, देयर फोर वन अपान वन हम लिख सकते हैं. देयर फोर ए क्यू इजिकल टू क्यू सी आर, हम इट रिप्रेजेंट्स दैट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड. अब कह रहा है कि अब आपको प्रूफ करना है कि एक लाइन जो है दोनों साइड्स के मिड पॉइंट से पास हो रही है, तो प्रूफ करना है कि आपकी जो है वो लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी. कंसीडर द फिगर इन विच पी क्यू इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली. हमने पी क्यू को एक लाइन सेगमेंट लिया जो पी और क्यू से पास हो रही है और पी और क्यू क्या है ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स हैं. देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू पी बी एंड ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी आर, जब दोनों बराबर होंगे तो ये सेम रेशियो में हो सकते हैं, ए पी बाई पी बी इजकल टू वन बाई वन एंड ए क्यू अपान क्यू सी इजकल टू वन बाई वन. देयर फोर ए पी अपान पी बी इजकल टू ए क्यू बाई क्यू सी. हैंस बाई यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आर्थेल्स थ्योरम वी ऑब्टेन पी क्यू पैरेलल टू बी सी.